फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप योनो SBI से अपने SBI अकाउंट में जीमेल ID को ऐड कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। अगर आपका पहले से ईमेल ID है, अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो आप इजीली से चेंज भी कर सकते हैं, और अगर आपके अकाउंट में कोई भी जीमेल ID ऐड नहीं है तो आप इजीली से ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको योनो SBI में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहां से 3 डॉट पे क्लिक करना है, और 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे एक ऑप्शन दिखेगा सर्विस रिक्वेस्ट का, तो आपको इस सर्विस रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सर्विस रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहां पे एक ऑप्शन दिखेगा प्रोफाइल का, तो आपको प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहां पे देखिए एक ऑप्शन दिखेगा आपको ईमेल ID का, तो आपको इस ईमेल ID वाले ऑप्शन के सामने एक यहाँ पे पेन का आइकॉन दिख रहा है, पेन वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। पेन वाले आइकॉन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग का जो प्रोफाइल पासवर्ड होगा ये यहाँ पे आपको मांगेगा, तो आपको इस बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड को डाल देना है। अगर आपको बैंक का प्रोफाइल पासवर्ड नहीं पता है तो आप यहाँ से फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड पे क्लिक करके आप फिर से जनरेट कर सकते हैं। तो मुझे बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड पता है तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, और डालने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ से सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे अपना देखिए एंटर न्यू जीमेल ID है, और फिर से री एंटर न्यू ईमेल ID है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो भी आप ईमेल ID को अपडेट करना चाहते हैं वो ईमेल ID यहाँ पे डाल दीजिए। तो मैं दोनों में ईमेल ID डाल देता हूँ, जो ऊपर में डालेंगे वही आपको फिर से डालना है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने दोनों में जीमेल ID डाल दिया, वही ईमेल ID डालना है जो आपका चल रहा हो। तो फ्रेंड्स, मैंने ईमेल ID डाल दिया। ईमेल ID डालने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपके नंबर पे एक OTP आएगा, नंबर को आपको OTP करके यहाँ पे डाल देना है। तो देखिए, मैंने OTP करके डाल दिया, और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिखा दिया योर ईमेल ID हैज़ बीन सक्सेसफुली ऐड अपडेट, और फिर आपको ओके कर देना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मेरे ईमेल अकाउंट में ईमेल ID सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो चलिए अब मैं चेक करके दिखाता हूँ। इसके लिए 3 लाइन पे क्लिक करता हूँ, और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, और प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स देखिए मेरा ईमेल ID यहाँ से सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने ईमेल SBI अकाउंट में ईमेल ID को ऐड कर सकते हैं, और चाहे तो आप यहाँ से फिर से एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं, और चाहे तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे आने वाली यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती